सतनाम वाहेगुरु। गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पिंड मते दी सराय भाई फेरू मल जी के घर होया। उन्हां दा नाम माता पिता ने लैणा रख्या। उन्हां दे पिता चंगे पढ़े लिखे सन ते फिरोजपुर दे हाकम दे खजानची सन, इसलिए उन्होंने ही लैणा जी नूं उच्ची विद्या दित्ती। 15 सालों की उम्र विच उन्हां दी शादी खडूर पिंड विच बीबी खीवी जी नाल कर दित्ती गई। बाबर दे हमलिआं नाल पिंड मते दी सराय उजड़ गया। उन्हां दे पिता ने 1524 ईस्वी विच खडूर जाके एक दुकान कर ली। भाई फेरू मल जी वैष्णो देवी दे भगत सन। हर साल वह पिंड दे लोकां नूं नाल लैके वैष्णो देवी जांदे सन। 1526 विच पिता दे देहांत हो जाण पिछों भाई लैणा जी ने पिंड वालिआं नूं देवी दे लैके जाणा शुरू कर दिता। भाई योध खडूर पिंड दा रहण वाला गुरु नानक देव जी दा सिख सी। श्री लैणा जी ने भाई योध पासों पहली वारी गुरु नानक देव जी दे शब्द सुने सन। श्री लैणा जी दे मन विच अपनी बोली विच परमात्मा दी सिफत ते शब्द घर घर गए। उन्होंने करतारपुर जाके गुरु नानक देव जी दे दर्शन करन दा फैसला कर लिया। श्री लैणा जी देवी दे दर्शनां लई जदों जांदे होए करतारपुर रुके, वह अपने साथियों नूं दस के घोड़ी उत्ते सवार होके गुरु नानक देव जी दे दर्शन करन लई करतारपुर पिंड वल नूं चल पए। अगे उन्हां नूं गुरु नानक देव जी खेतां तों वापस आउंदे पिंड वल नूं जांदे मिल पए। श्री लैणा जी ने उन्हां पासों गुरु नानक देव जी दी धर्मशाला दा रास्ता पुछया। वह नहीं सी जानदे जिस दे कोलों रास्ता पुछ रहे ने वह आप ही बाबा नानक है। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुसी मेरे पिछे पिछे आ जावो, मैं भी उसी धर्मशाला विच जाना है। गुरु नानक देव जी ने धर्मशाला दे दरवाजे अगे पुज के श्री लैणा जी नूं कहा, तुसी घोड़ी इस किले नाल बन के इस दरवाजे राही अंदर चले जाओ। श्री लैणा जी ने अंदर जाके देखा कि धर्मशाला दा रास्ता दिखाउण वाला ते उही सी जिस नूं मैं मिलण आया हाँ। श्री लैणा जी मत्था टेक के एक पासे बैठ गए ते सोचन लगे कि मेरे कोलों ये भुल सी, जो मैं घोड़ी उपर सवार सी ते गुरु नानक देव जी पैदल चल रहे सन। इन्हां सोचां विच डुबे हुए श्री लैणा जी नूं गुरु नानक देव जी ने पुछया, भाई तेरा नां की है? श्री लैणा जी ने उत्तर दिता, मेरा नां लैणा है ते पिंड दे लोकां दा जत्था देवी दे लैके जा रहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई लैणिया इस दुनिया दे देवी देवते जिस पासों लैके दिंदे हन उस मालक दी सेवा करनी सोभदी है। भाई लैणा जी ने गुरु साहिब नूं अपने सारे शंके दसे अते गुरबाणी दे आखे अनुसार एक परमात्मा दी महिमा समझी। श्री लैणा जी ने गुरु जी दे वचन सुन के देवी दे दर्शनां दा ख्याल मन विच्चों सदा लई त्याग दिता। उन्होंने अपने नाल आए जत्थे नूं कह दिता, मैनू देवी दे जाण दी लोड़ नहीं रही, जो कुछ मैनू चाहीदा सी वो मिल गया। इस साखी तों असीं समझिया कि भाई लैणा जी ने अपनी पिछली जिंदगी दे करम सच्चे गुरु दे मिलाप तों बाद एक झटके विच बदल दित्ते। सिख बनन दी तां निशानी यह है कि वह एक परमात्मा दे आसरे तो इलावा किसी अखौती देवी देवते या किसी डेरेदार वल ध्यान नहीं करता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।